आपका हमारे चैनल विद्यापीठ अकेडमी पर स्वागत है। इज आई ऑडिबल और विजिबल? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? आइए, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलपीजी एंड सीएनजी। इसके बारे में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हमने आज छांट लिए हैं। इसमें से ही क्वेश्चन जो हमारा सीटेट के अंदर बनता है, सीएनजी और एलपीजी में से एक क्वेश्चन आता है। और जो पॉइंट्स आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आइए, सबसे पहले हमारे पास है एलपीजी। एलपीजी के बारे में सबसे पहले इसके हम फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। एलपीजी से हमारा बनता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट किससे बनता है, हमारा एलपीजी किससे बनता है, हमारा जो एलपीजी है वो किसका प्रोडक्ट है, हमारा पेट्रोलियम गैस का। इसके बाद आता है हमारा कि ये एलपीजी है वो किस किस से मिलकर बना है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है, जिसके अंदर होते हैं इसके अंदर हमारे प्रोपेन और ब्यूटेन। इसके बाद हमारा आता है ये, हम इसको लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें इसमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में भी कई बार सीटेट में पूछा गया है कि प्रेशर के अंदर इसको लिक्विड में रखा जा सकता है या नहीं। इसके बाद हमारा आता है कि इसमें जो क्वालिटी है वो मेन क्वालिटी है इसकी कि एटमॉस्फेरिक जो हमारा प्रेशर होता है उसके अंदर इसको हम लिक्विड में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगला है हमारा इसकी क्लोरोफिक वैल्यू। जो इसकी क्लोरोफिक वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई होती है, जो कि हमारे पास है 43 and 350 किलो जूल पर केजी। यानी कि हमारी क्लोरोफिक वैल्यू से क्या मतलब है, हमारा क्लोरोफिक वैल्यू जो होती है हमारी, अगर हम 1 kg ब्रंट करते हैं तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 43 and 350, और केजी जो हमारा है वो है हमारा किलो जूल, जो कि हमारी एनर्जी की यूनिट है। इसको हम इसके कंबस्टेशन वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसके हमारे पास हैं यूजेज। इसके जो मेन यूजेज हैं वो ये फ्यूल के रूप में हम यूज़ करते हैं इसको, ट्रैक्टर्स में, ट्रक्स में, बस, और इसके साथ साथ हमारा इसका एक यूज है डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी, इसको हम किचन में भी यूज़ करते हैं। ये हमारे पास आज एलपीजी के बारे में मेन मेन पॉइंट्स थे, इन्हीं में से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब हम इससे आगे जानेंगे सीएनजी के बारे में। यहाँ तक हमारा एलपीजी का क्लियर हो गया, आगे हमारा सीएनजी। सीएनजी के हमारी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सबसे पहले हमारे पास इसके कंपोनेंट्स, होते हैं हमारे पास मीथेन, जो कि हमारे पास 90% होती है, इथेन हमारे पास 4% और प्रोपेन हमारे पास 1 to 7%। ये इन तीनों से मिलकर बनती है हमारे पास सीएनजी। इसके बाद हमारे पास इसके जो क्वालिटी है वो क्या है, सीएनजी इज नॉन टॉक्सिक एंड लाइटर देन द एयर। ये हमारे पास एयर से भी हल्की होती है और ये नॉन टॉक्सिक होती है। एट लीकेज, जब ये लीक हो जाती है लीकेज में एक क्विकली डिसअपियर होती है, यानी कि इसमें डिसअपियर की क्वालिटी ज़्यादा है। दूसरा हमारे पास है इट कीप एट प्रेशर एट 200 to 222 bar। इसको हम 200 से 220 bar तक रख सकते हैं इसका प्रेशर। फिर इसके पास हमारे पास सबसे मेन जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी। ये एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी शो करती है, जिसके कारण हम इसको इंजन के अंदर जब भरवाते हैं तो ये सेफली यूज की जा सकती है, इसके अंदर कोई डेंजर नहीं रहता। फिर हमारे पास इसकी क्लोरोफिक वैल्यू, आप जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास जो है एलपीजी की कितनी थी, 430, लेकिन इसके हमारे पास 40 से थोड़ी सी ही कम है। इसके हमारे पास क्लोरोफिक वैल्यू होती है
4070 kg MP3 किलो जूल MP3 क्यूब। इसके बाद इसका यूज़ हमारे पास, इसका यूज़ हम इसको डूल फ्यूल के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कार में, बसेज में, और इसको हम इंजन में पेट्रोल और डीजल के साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई अलग से हमारे पास वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।